अनेकानेक धर्म उपदेशक धर्मगुरु अपने आप को चमत्कारी प्रस्तुत करते हैं और कहते भी हैं कि हम चमत्कार करते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में एक घटना में लोगों से कहा कि ईश्वर के ऊपर जितना आपका असर है उससे ज़्यादा मेरा नहीं है। उन्होंने अपने आप को चमत्कार से दूर बताया। हुआ यह था कि मार्च 1931 में वे गुजरात के कराड़ी नामक छोटे से गांव में झोपड़ी बना करके रह रहे थे। एक दिन कुछ लोग बहुत सारे फल फूल शहद आदि लेकर के आए। उनके साथ में बाजा भी बज रहा था। उनके मुखिया ने ये सब वस्तुएं महात्मा गांधी को भेंट करी और कहा कि आपकी चरण हमारे इस गांव में पड़े, जिससे कि यहाँ बहुत लंबे समय से जो एक कुआ सूखा हुआ था उसमें पानी भर गया, लबालब हो गया, इसलिए इतना कहते ही गांधी जी ने उसे टोक दिया, रोक दिया और कहा आप सब मूर्ख हैं, जो हुआ सो मेरे कारण नहीं बल्कि इत्तेफाक से हुआ। ईश्वर के ऊपर जितना आपका असर है उससे ज़्यादा मेरा नहीं है। गांव वालों को उनकी बात समझ में आ गई। महात्मा जी इस तरह के चमत्कारों में विश्वास नहीं करते थे। आगे उन्होंने कहा कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मान लो किसी पेड़ पर एक कौवा आकर के बैठ जाए और कौवा और पेड़ गिर जाए, तो क्या ये माना जाएगा कि कौवे के वजन से पेड़ गिर गया है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक होता है, संयोग होता है। बाद में गांधी जी ने उन ग्रामीणों से कहा कि घर जाओ, चरखा का तो सूत बनाओ, कपड़े बुनो, खादी पहनो और भारत माता को जिसके पास में कपड़े नहीं है उन्हें कपड़े भेंट करो, यह भी इस देश की सेवा होगी। तो ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी।